तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत डर गई थी कुना, जब तुम्हारी बॉप ने कहा था कि वो तुम्हारी शादी उस फेकनेस की दुकान श्वेता से कराने जा रही है, तो मैं बहुत डर गई थी। मेरी फैमिली ने तुमसे सच नहीं छुपाया। इनफैक्ट वो तो चाहते थे कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं, पर मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। मैं तुमसे बताने भी आई थी कुना, पर मैं बहुत डर गई। और क्या क्या नहीं पता मुझे को? और कुछ नहीं छुपा रही, कुछ भी नहीं, बस यही कि जब से हमारा रिश्ता हुआ ना, तब से मुझे बहुत डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। अगर तुमने मुझसे प्यार किया है ना, तो तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ोगे। प्लीज प्लीज आई बेग यू खुदा, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ो। देखो पता नहीं आज मिस्टी को कैसे दौड़े पड़ रहे, पर प्लीज उसके साथ प्लीज मुझे मत तोड़ो, रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज मिस्टी की गलती के साथ मुझे मत दो। ऐसे कोई रोता है क्या खू? आंटी, मैं हर चीज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, पर प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। हम ये शादी नहीं तोड़ेंगे। इस बात को लेकर शादी तोड़ने की अब बात भी नहीं करेंगे हम। कुणाल तू बता, यहाँ तू और उसकी फैमिली ने हमसे पूछा तक नहीं कि उनके होने वाले दामाद के पापा कौन हैं, कहाँ हैं, हमें छोड़कर क्यों गए? अबीर प्लीज तुम ये। हाँ वो पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, और अगर वो पूछते तो हमें उन्हें जवाब देना पड़ता, क्योंकि जवाब जानना उनका हक था। उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि वो हमारी प्राइवेसी, हमारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और अब आप भी वही करेंगे। कहो तुम मेरे साथ हो? नहीं अभी, ये काम मैं अकेली ही करूंगी। तुम्हें अब भी मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो बता दो। मेरे साथ आप चलिए पारो, आइए। दादू उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता। कुहू किसी को कुछ तो बता के गई होगी। नहीं बाऊजी, कुहू फोन भी नहीं उठा रही है। फोन? पता नहीं कहाँ गई होगी बच्ची। माँ कुहू तुझे पता हम कितना डर गए थे। बैठे मीनाक्षी जी। जी नहीं, आपने कहा था कि मेरा ईगो बहुत बड़ा है, मेरा अहंकार बड़ा है, मेरे बेटे अबीर को भी ऐसा ही लगता है। सवाल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सुकून से तो बड़ा नहीं हो सकता है। विशंभा जी, मैं ये जानने का प्रयास भी नहीं करूंगी कि कुहू की असली माँ कौन है, क्योंकि ये बात मेरे लिए मायने नहीं रखती है। पर मेरे बेटों की खुशी मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि मेरे बेटे मेरा अहंकार है।
विशंभर जी, मेरे बच्चों ने आज तक मुझसे जो भी मांगा मैंने उन्हें दिया। आज नहीं दे पाई तो मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगी। और मीनाक्षी राजवंश लड़खड़ाती तक नहीं है, गिरना तो बहुत दूर की बात है। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। बारात आएगी विशंभर जी, एक शर्त पर। मिष्टी इस शादी से दूर रहेगी। मिष्टी का साया भी अगर पड़ा तो समझिएगा कि ये रिश्ता टूट गया। वर्षा जी, इतना बड़ा झूठ तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। कल अगर शादी में मिष्टी दिखी तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। डोंट वरी आंटी, मैं वैसे भी जा रही हूं। जीती रहो। जय श्री कृष्ण। चलिए बाय। प्लीज मिष्टी को शादी में रखने की जिद मत करेगा। अगर ये शादी में रही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ एक दिन के लिए मिष्टी के बारे में नहीं, मेरी कुहू के बारे में सोचिए। उसकी शादी हो जाने दीजिए। अगर मिष्टी की जगह कुहू होती तो मैं कुहू को भी घर से दूर ले जाती। बाबूजी प्लीज। बड़े पापा, मैं मुंबई जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास। वैसे भी वो मुझे कई दिनों से बुला रही है, इससे बेटर मौका नहीं हो सकता उसके पास जाने का। मीनाक्षी जी से कह दीजिए कि मिष्टी शाम की फ्लाइट से मुंबई चली जाएगी। बारात आने से पहले मिष्टी जा चुकी होगी। आप हमारा अभिमान थी मिष्टी, आज हमारा अभिमान टूट गया। आपने इस घर को पराया समझा, जबकि इस घर ने इतने बरसों तक आपको अपना समझा था। उसी अपनेपन की लाज रखने के लिए हम आपको अभी नहीं जाने देंगे। अभी रात बहुत हो चुकी है, कल चले जाइएगा। आपने कहा था अगर मैं आपकी शर्त पूरी करूंगी
तो कुहू और कुणाल की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी बात पूरी करने के लिए थैंक यू। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। अबीर, लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा? वो तेरे पास कभी भी क्यों आएगा? आज जो तूने किया है उसके बाद तो वो तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। आज तो बड़े पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं फिर से अकेली हो गई। सॉरी, लाइफ में आगे जाके शायद तुझे कभी समझ में आए कि मैंने जो किया क्यों किया, या शायद कभी समझ भी नहीं आए। अब अपनी बात पूरी करने की बारी तुम्हारी है, पीछे मत हटना मिष्टी वरना। तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ किसी ने देख लिया ना तो सब नाराज होगे, मेरी फैमिली भी और तुम्हारी फैमिली भी। तुम अपनी फैमिली को नाराज नहीं करना चाहती, इतनी फिक्र है उनकी। फिर आज वो सब क्यों बोला? अबीर, कुणाल तुम्हारा रियल ब्रदर है, वो तुम्हारी फैमिली है, और ये फैमिली मेरी नहीं है। फिर भी मैंने इस घर के लोगों को अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गई। क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हो मिष्टी? रहने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मेरी सिचुएशन में नहीं हो ना। मिष्टी, अगर साफ साफ नहीं बता सकती तो कोई हिंट दे दो, कोई इशारा कर दो, मुझे बता दो कि कौन तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारी बहन कुहू शादी करके विदा होगी और तुम अपनी फैमिली की, अपने बड़े पापा की, अपनी बड़ी मॉम की बेइज्जती करके। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया, कुहू की शादी कुणाल से नहीं होगी। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक हम एक दूसरे से ऑनेस्टली बात कर सकें। मिष्टी, सच बहुत खूबसूरत होता है, तुम मुझसे कभी झूठ मत कहना। लाइफ को एक चांस देके तो देखो। अबीर को अब भी मुझ पे भरोसा है, क्या मैं ये चांस ले लूं? मिष्टी, तुम मुझे भी नहीं बताओगी, मुझसे भी कुछ नहीं कहोगी। अब कुछ बुरा नहीं होगा, पता है आज को बहुत खुश है क्योंकि तूने हार नहीं मानी।
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब और कुछ नहीं बचा, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। सुनो मिस्टिस, और सुनो, अब क्या है? तुम हर बार पलटती जाती हो। कुनाल, तुमने अभीर के लिए जो कुछ भी किया उसे मैं भूल नहीं पाऊंगी। माँ, मैं जो कुछ भी कर रहा था अपने भाई के लिए कर रहा था। फाइनली भाई ने रियलाइज कर लिया कि मिष्टी एक्चुअली में कैसी है। हमने उन्हें बचा लिया माँ, बस अब ये रोज रोज का आना जाना बंद हो, ये मिलना जुलना खत्म हो जाए, ये सब खत्म हो जाएगा ना माँ। जरूर होगा, शुरुआत भी तुमसे हुई थी और खत्म भी तुम ही करोगे कुनाल बेटा। मिष्टी ने तुम्हें रिजेक्ट किया था, अब हम उस मिष्टी को और उसके पूरे परिवार को रिजेक्ट करेंगे। महेश्वरी परिवार पूरी तैयारी के साथ भरे मंडप में बारात आने की इंतजार करेगा, पर बारात नहीं आएगी। मीनाक्षी राजवंश के परिवार को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, अब वो इसका अंजाम देखेंगे। वो और कुनाल की शादी अगर टूट गई तो ये फैमिली भी टूट जाएगी। कल मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन आप इनका साथ देना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना भगवान जी। वो को ये सबसे ब्राइट वाला मंडप अच्छा लगेगा, लेकिन वो अपनी खुद की शादी में सबसे ब्राइट दुल्हन दिखना चाहेगी, ये व्हाइट एंड गोल्ड वाला अच्छा रहेगा। मेरा काम पूरा हुआ, आज मेरी पूरी फैमिली कितनी खुश है, आज कुहू की फेरी टेल भी सच हो जाएगी, उसे उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएंगी। पंडित जी, भूमि ये सारे दिए चला दो। हाँ अब पंडित जी आप प्लीज हवन कुंड की दिशा वगैरह सब अच्छे से चेक करो, जितनी हो सके उतनी पूजा करवा लो। प्लीज पंडित जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि आज कोई ड्रामा ना हो, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे हमारी कुहू की शादी बड़ी शांति से हो जाए। प्लीज पंडित जी। चमत्कार तो होते हैं बेटी, लेकिन कोई इंसान नहीं करता, भगवान जी करते हैं। आप सच्चे मन से उनकी सेवा करो, उन पर विश्वास रखो, वे कभी बच्चों को निराश नहीं करते। भगवान जी, मैंने इस शादी के लिए अपनी पूरी फैमिली को बहुत हर्ट किया, मैंने अपने बड़े पापा को हर्ट किया। आई जस्ट विश कि अभी और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काश मैं कुहू को रेडी करते वक्त बता पाती कि वो अपनी सास से बच के रहे। आई विश मैं वर्षा आंटी को और बड़ी माँ को विदाई के वक्त हग कर पाती, पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे जाने से ही शादी होगी तो मैं जाऊंगी। आई विश कोई ऐसा चमत्कार हो पाता कि मुझे ये सब फील करने का मौका मिलता। सारे डाउट्स बुलाकर जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखो, जिंदगी हाथ थाम ही लेगी। अभीर, अगर सच में ऐसा कोई चमत्कार कर सकता है तो सिर्फ तुम ही हो। रिश्ते प्यार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।